नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कमर दर्द मतलब लो बैक पेन के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों, तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी चार भागों में डिवाइड होती है। पहला होता है सर्वाइकल, सबसे ऊपर वाला रीजन होता है सर्वाइकल रीजन। उसके बाद होता है थोरोसिक रीजन, बीच वाला रीजन होता है थोरोसिक रीजन। उसके बाद नीचे वाला रीजन होता है लंबर रीजन, और उसके नीचे सबसे नीचे वाला रीजन होता है सैक्रल रीजन। दोस्तों, अगर हमें रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, हमारे पूरे पीठ में दर्द होता है, उसको हम बैकएक बोलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लंबर रीजन में दर्द होता है, हमें लंबैगो होता है, उसे हम कमर दर्द बोलते हैं। दोस्तों, कमर दर्द बहुत ही आम है और कभी ना कभी आप सभी को हुआ होगा। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, किसी किसी को कुछ समय के लिए होता है, किसी किसी को हमेशा बना रहता है। खासकर फीमेल्स में, लेडीज़ में कमर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है और उनको हमेशा कमर दर्द बना रहता है। शाम आते आते तक कमर दर्द होने लगता है। दोस्तों, कमर दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं इसके कारण बताऊँगा कि क्या क्या कारण होते हैं कमर दर्द के। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कमर दर्द आपको होगा तो कहाँ पर मोस्टली दर्द होता है, और लास्ट में मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों, जो कमर होती है वो मोस्टली तीन स्ट्रक्चर से मिल के बनी हुई होती है। पहली होती है हड्डी मतलब बोन, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो लंबर हड्डी है, जिसको हम लंबर बोन भी बोलते हैं, वो कमर के रीजन में आती है। अगर वहाँ पर कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए वहाँ पर बल्जिंग हो जाती है, या वो दोनों हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, जो लंबर रीजन की L4 L5 मोस्टली जो जुड़ जाती है, या वहाँ पर ज़्यादा गैप बन जाता है, तो कमर दर्द आपको मोस्टली होने लगता है। दूसरी चीज़ है आपकी नर्व्स, जो नसें होती हैं, जो कमर के चारों तरफ रहती हैं, और ख़ासकर जो वर्टिब्रल कॉलम के चारों तरफ नसें रहती हैं, अगर वो दब जाएँ या टूट जाएँ तो आपको कमर दर्द होने लगता है। उसके बाद मसल्स मतलब आपकी मांसपेशियाँ, अगर मांसपेशियों में चोट लग जाए या फट जाए तो आपको कमर दर्द होने लगता है। दोस्तों, जो कमर दर्द का कारण है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इस वीडियो में मैं दो तरह से डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक्यूट लोअर बैक पेन के बारे में बात करूँगा, और उसके बाद क्रॉनिक लोअर बैक पेन के बारे में बात करूँगा, उसके कारण बताऊँगा। तो जो एक्यूट लोअर बैक पेन होता है, जो आपको तुरंत हो जाता है और उसके बाद तुरंत ही ठीक हो जाता है आपका कमर दर्द, वो मोस्टली जो है वो स्प्रेन के कारण होता है, वो खिंचाव के कारण होता है। कभी आपने बाल्टी उठा ली, कभी कुछ चीज़ उठा लिया, जिसके कारण आपकी मसल्स जो है वो हल्की सी फट जाती हैं, वो बाद में रिपेयर हो जाती हैं, या नसें इधर उधर हो जाती हैं, तो आपको एक्यूट कमर दर्द होता है। और उस समय कुछ दिन तक रहता है, 2 से 3 दिन तक, फिर अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं, अगर आपको लंबे समय तक कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है तो वो क्यों रहती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं फ़ीमेल से बात करूँगा। अगर आप फीमेल हैं और आपको लंबे समय तक कमर दर्द की प्रॉब्लम है, तो मोस्टली वो ल्यूकोरिया के कारण होती है, मैंने ऐसा देखा है। तो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, धात की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, तो साथ ही साथ कमर दर्द की भी प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, ऐसी फीमेल जो हाउसवाइफ हैं और जो खड़े होकर काम करती हैं, हमेशा खाना बनाती हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे, उनको भी बना रहता है उनका कमर दर्द, और हमेशा बना रहता है, मैंने ऐसा भी देखा है। कमर दर्द का फीमेल में एक बहुत ही बड़ा कारण है ऑस्टियोपोरोसिस। इस कंडीशन में आपकी जो बोन है वो पतली हो जाती हैं, जो हड्डियां हैं वो पतली हो जाती हैं, इसके कारण आपको कमर दर्द होता है। फिर उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस कंडीशन में जो बोन है वो एक दूसरे से सट जाती हैं, इसके कारण आपको कमर दर्द होता है। फिर उसके बाद स्लीप डिस्क, फिर उसके बाद हर्निएशन, स्पाइनल डिस्क हर्निएशन, फिर उसके बाद फ्रैक्चर, मतलब अगर आपके कमर की हड्डी में चोट लग गई है और कमर की हड्डी फट गई है या फ्रैक्चर हो गई है, तो आपको कमर दर्द होता है। और लास्ट में दोस्तों, मेंसेस के दौरान कमर दर्द होता है फीमेल्स में। अब चलते हैं मेल की तरफ, तो मेल में
स्पाइनल डिस्क हर्निएशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, साथ में आपका स्लीप डिस्क, उसके बाद HLA-B27 जिनका पॉजिटिव होता है उनको बहुत ज़्यादा कमर दर्द होता है, कभी कभी कोई नस दब जाती है, जैसे हमें शियाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है तो पैरों के दर्द के साथ साथ हमें कमर दर्द भी होता है। तो मोस्टली ये सब कारण है कमर दर्द के। अब चलते हैं क्या आपको महसूस होगा अगर आपको कमर दर्द होगा। दोस्तों सबसे पहला जो लक्षण होता है कमर दर्द का वो कमर दर्द ही होता है, तो आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। शुरुआत में थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे कमर दर्द बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है कि एक्यूट है कि क्रॉनिक है। अगर एक्यूट है तो 2-3 दिन तक रहेगा, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर क्रॉनिक है तो वो लंबे समय तक बना रहेगा, और जब भी आप कभी हिलते हैं या आप कुर्सी से उठते हैं या आप कुछ चीज़ें नीचे से उठाते हैं झुक के, तो आपको अचानक से कमर में एकदम से तेज़ दर्द महसूस होगा, उसके बाद दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों दर्द जो होता है वो आपको एक खिंचाव जैसा, एक तनाव जैसा दर्द महसूस हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपके कमर में कोई चुभा रहा हो, ऐसा भी दर्द महसूस हो सकता है। तो कमर का दर्द पैरों तक भी जा सकता है, अगर कोई नर्व या नस दबी हो, खासकर शियाटिका की आपको प्रॉब्लम हो, तो आपको कमर दर्द के साथ आपके पैरों में भी दर्द हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये होते हैं मोस्टली कमर दर्द के लक्षण, और ये लक्षणों के साथ अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, जैसे मान लीजिए आपको शियाटिका है उसके कारण कमर दर्द है, तो आपको शियाटिका के भी लक्षण कमर दर्द के साथ दिखेंगे। तो जो बीमारी होगी जिसके कारण आपको कमर दर्द है उसके लक्षण भी कुछ कमर दर्द के साथ आपको दिखेंगे दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस की तरफ कि कौन कौन सी बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं कमर दर्द के लिए। दोस्तों सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कमर दर्द के लिए आर्निका मोंटाना। दोस्तों आर्निका मोंटाना को आपको 200 पोटेंसी में लेना है, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों अगर आपको बहुत तेज़ कमर दर्द होता हो, और ख़ासकर अगर आप पीछे पीठ में कमर में हाथ लगाएं या बैठें और पीछे टच हो जाए, तो एकदम से कमर दर्द बढ़ जाता हो और चलने में बहुत तेज़ कमर दर्द हो, तो आर्निका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों कमर दर्द में मैं हमेशा आर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में देता आ रहा हूँ, और मुझे हमेशा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फीमेल्स में लगातार जिनको कमर दर्द बना रहता है उनके लिए भी आर्निका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। शियाटिका में भी आर्निका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और अगर आपको लंबर रीजन में, जैसे आपके डिस्क प्रोलैप्स में या डीजनरेशन में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्निका दोस्तों। दोस्तों आर्निका को आपको 200 पोटेंसी में कमर दर्द में लेना है, 2 बूंद सुबह सुबह पीना है और 2 बूंद रात को पीना है। दूसरी जो मेडिसिन है वो एक कॉम्बिनेशन है जो मैं मोस्टली लोअर बैक के पेशेंट को देता हूँ, और हमेशा लगभग हमेशा ही ये मेडिसिन देता हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में 3 मेडिसिन मिली हुई है। सबसे पहली मेडिसिन है रक्सटॉक्स। दोस्तों रक्सटॉक्स में लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसा लगता है जो कमर का दर्द है वो नीचे की तरफ जा रहा हो। कमर का दर्द हमें चलने में आराम लगता है, कोई कड़ी चीज़ में अगर हम बैठ जाते हैं तो आराम लगता है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है रूटा। तो रूटा कमर दर्द के लिए ही मेडिसिन है, और अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और उठते से ही कमर में दर्द रहता है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है रूटा। दोस्तों तीसरी मेडिसिन है बैलिस पर। दोस्तों पैलिस पर जो है वो मस्कुलर पेन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जब आप कुछ चीज़ें उठा लेते हैं और आपके कमर में दर्द होने लगता है, या कभी आपने लिफ्टिंग वगैरह कर ली और आपके कमर में दर्द होने लगा, तो बैलिस पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों ये तीनों मेडिसिन को, रक्सटॉक्स, रूटा और बैलिस पर, ये तीनों मेडिसिन को आपको 30 CH पोटेंसी में मिलाना है। ये आप मेडिसिन डॉक्टर रेकवेक की 11 ml की फाइल ले लीजिएगा, और एक 30 ml की अलग से खाली फाइल ले लीजिएगा, खाली CC ले लीजिएगा। दोस्तों उस 30 ml की फाइल में बराबर मात्रा में रक्सटॉक्स, रूटा और बैलिस पर डालनी है, मतलब 10 ml रक्सटॉक्स 30 डालनी है, 10 ml बैलिस पर 30 डालनी है और 10 ml रूटा 30 डालनी है, और उसके बाद थोड़ा सा हिला लेना है, और फिर उसको आपको 2 बूंद पीना है सुबह, उसके बाद ऐसा ही आपको दोपहर में करना है, और ऐसा ही आपको रात में करना है। दोस्तों तीसरी मेडिसिन है SBL की,
वर्टिफाइन ड्रॉप। तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों SBL की वर्टिफाइन ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बैकएक के लिए, कमर दर्द के लिए। खासकर अगर फीमेल्स में, लेडीज़ में कमर दर्द होता है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है दोस्तों। SBL के वर्टिफाइन ड्रॉप में बर्बेरिस वल्गेरिस, ब्रायोनिया, सिम्सिफ्यूगा, रक्स टॉक्स और लीडमपाल मेडिसिन डली हुई है 3x पोटेंसी में, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है लोअर बैक एक में, कमर दर्द में। दोस्तों इसको लेना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे हाथ में SBL की वर्टिफाइन ड्रॉप है, मैंने इसको खोला और 1/4 कप पानी लेना है, तो कप ले लीजिएगा, घर में जो भी होता है उसमें 1/4 कप पानी डाल लीजिएगा और SBL की वर्टिफाइन ड्रॉप को आपको उस कप पानी में लगभग 15 से 20 बूंद डालना है और उस पानी को पी जाना है। सुबह एक बार पीना है, ऐसा ही आपको दोपहर में एक बार करना है और ऐसा ही एक बार रात में करना है। तो 1/4 कप पानी में 15 से 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार आपको वर्टिफाइन ड्रॉप पीना है और बाकी जो मैंने मेडिसिन बताई हैं, आर्निका 200 उसको 2 बूंद सुबह शाम पीना है और एक कॉम्बिनेशन बताया है आपको लोअर बैक एक के लिए, कमर दर्द के लिए, जिसमें रक्स टॉक्स 30, रूटा 30 और बेलिस्पर 30 डली हुई है, आपको याद तो हो गई। तो उसको आपको मिला लेना है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन बना लेना है और 2 बूंद दिन में 3 बार पीना है। दोस्तों ये 3 मेडिसिन अगर आप पीते हैं तो किसी भी तरह का कमर दर्द हो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको कमर दर्द लंबे समय का हो, मतलब सालों से चल रहा हो, तो ये मेडिसिन कम से कम 3 महीने तक लीजिएगा। अगर आपको कल या परसों कमर दर्द हुआ है तो ये मेडिसिन 2 से 3 दिन लीजिएगा और अपने आप कमर दर्द ठीक हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कमर दर्द के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।